मतलब शिकायत ना कर लियो आज में मरते मुखिया से कहा कोई ना हमरा सके लेल मौजूद है ना बनावे के लेल ना घर इंदिरा आवास ना शौचालय हमरा से कुछ ना मिलिए ना रहले गांव में रखे कितना दिन से यहाँ परेशान छे सब करवावे के लेल दो तीन साल से जब से बच्चा सब सियान भेल जब से हम ए बिहार के मुख्यमंत्री देवता साहब ठीका आपका जो नल जल योजना है इसकी भी स्थिति आप देख लीजिए। यहाँ पे तो लगा है कुछ मतलब कि कुछ दरवाजे पे नल मतलब कि जल के पता ही नहीं है। आप मतलब कि ना जाने कितने करोड़ों खर्च किए। नमस्ते नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं नई किरा न्यूज चैनल। आज हम मौजूद है रूनी सैदपुर प्रखंड के गिद्धा फुलवरिया पंचायत में मुसहरी टोला वार्ड नंबर एक में। तो हम बताना चाहते हैं, इधर नीतेश जी कैमरा से दिखाइएगा ये लोगों को, जितना आप घर देख रहे हैं सब फुसमराई टाटी का घर है, यह मुसहरी टोल है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, ये सब घर दिखा सकते हैं कि किन्हीं लोगों को ना ही अभी तक इंदिरा आवास मिला है, ना ही शौचालय का पैसा मिला है, ना ही कोई मुखिया से सहायता मिलता है, ना ही किसी व्यक्ति को कोई सुविधा दिया जाता है। ये जो रोड देख रहे हैं इन लोगों का, यही मेन रोड है। ग्रामीणों का कहना है कि ये रोड पूर्व में ही मतलब कि पास हो गया था, पर कुछ जमींदारों के कारण ये रोड को मतलब कि बनाने नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है मतलब कि खेतों वाला के द्वारा कि हमें प्राइवेट के तरह पैसा चाहिए, सरकारी जो पैसा रोड पे मिलता है वो नहीं चाहिए। तो आइए मतलब कि यहाँ पे मौजूद कुछ लोग हैं, तो इनसे हम मतलब कि इस पंचायत के बारे में, इस टोल के बारे में कुछ विशेष बातचीत करते हैं। तो नई किरा न्यूज में स्वागत है सर। बोलिए ना। तो सर कह रहे हैं कि मतलब कि रोड के कब से ये स्थिति है, कब से मतलब इसका पास हुआ था, क्या हुआ था? ये शुरू से अंत तक ले ऐसी के ऐसी है, कितना आया सरकारी आदमी, कितना गया, लेकिन यहाँ लोग और कितना है से बीएक लगा देता है कि ना हमको पैसा चाहिए उतना चाहिए, तो उसी के कारण ही रोड नहीं बन पाया। अच्छा, आपके इधर किसी व्यक्ति को क्या क्या मिला है, क्या क्या? देखिए, जो मिलने वाला था जहाँ तक ले, जो जिसको साहिबी में जो दरंजन नाम था उसको साहिबी में जितना इंदिरा आवास था वो मिलने वाला था, जिसको मिला है। फिर उसके बाद दूसरा चेंज हुआ है तो उसको साहिबी में जितना मिलने वाला था मिला है, यही बात ना है जो सच्चाई है से। तो चलिए, और लोग भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं कि यहाँ पे क्या मतलब सुविधा है, सरकारी सुविधा क्या नहीं है। ए बिहार के मुख्यमंत्री देवता साहब, ठीक है, आपका जो नल जल योजना है इसकी भी स्थिति आप देख लीजिए। यहाँ पे तो लगा है कुछ मतलब कि कुछ दरवाजे पे नल मतलब कि जल के पता ही नहीं है। आप मतलब कि ना जाने कितने करोड़ों खर्च किए प्रत्येक पंचायत में कि नल जल से सुविधा हो, लोगों को पानी के लिए मतलब कि ज़्यादा कठिनाइयाँ ना हो, पर आपने ये कुछ नहीं दिया। नहीं बकरी सेठ है, देख सकते हैं कितने गरीब लोग यहाँ पे रह रहे हैं। थोड़ा इस पर भी गौर कीजिए। यहाँ के मुखिया जी से भी अनुरोध है कि आइए इस पंचायत के गाँव में घूमिए, समझिए, लोगों का निरीक्षण कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, इनकी समस्या को सुनिए। तो यहाँ तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो भैया, कहने का मतलब कि नल जल कब लगा था? ये नल जल है जो कि 5 साल पहले लगा था, दो तीन हफ्ता चला, उसके बाद पानी नहीं है। वो क्या प्रॉब्लम है, वहाँ से अभी पानी नहीं चल रहा है, पूरे कल का पानी सूख गया, जनता लोग को बहुत तकलीफ है। इधर 500 के संख्या में वोट गिराने जाता है चलने के लिए, इधर रोड भी नहीं है, बड़ी बीमारी होता है। तो आपने कभी कंप्लेन शिकायत नहीं की वार्ड मेंबर से या मुखिया से, या इनका जो देख रेख में रहते हैं टंकी के, उनसे आप लोगों ने शिकायत नहीं की किधर पानी उनी मुहैया कराया जाए? ओ सर, इधर कराया गया था और कितना कंप्लेन ठोके हैं, अभी तक उसका कोई जवाब मिला नहीं है। कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब मिला नहीं है, इसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो चलिए, हम मुखिया जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस तरफ आइए, नल जल की समस्या भी देखिए। चलिए, और लोग मौजूद है, इनसे बात करते, बोलिएगा सर। हम लोग यहाँ पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता, इंदिरा आवास रोड इंदिरा आवास आपको मिला है? मिला। शौचालय में पैसा मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, कोई सरकारी सहायता नहीं मिला है, मतलब घर में पढ़ने उड़ने के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। वार्ड मेंबर के द्वारा भी कुछ नहीं है सर, उसको भी 50 रुपये के लिए कागज जमा किया। और ये भवन बनाया गया है विश्राम स्थल, पर इसमें देख सकते हैं कि ये लोग ताला मार के रखे हैं। तो साहब, ये बताइए, आपने बनवाया ही क्यों जब इसमें ताला मार के ये भट्टी झट्टी से घेर के रखना था? अब लोगों को सुविधा के लिए आप बनाए हैं, तो इसको खोला कीजिए, देख सकते हैं ये ताला लगा हुआ है, इसमें झड़ झूर गया जाएगा, आप देख सकते हैं। ये घर को दिखाइएगा,
कितना मतलब कि टूटा फूटा हुआ मराई टाटी का घर है, आगे देखिएगा सभी लोग कमर तान के रहते हैं, ये सब घर है बरसात में टूटा होता होगा, इधर जितना तरफ कैमरा आपको दिख रहा होगा सभी लोगों का घर है एक तरफ। तो चलिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि चाची आपके यहाँ मतलब कि सरकारी सहायता क्या क्या दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है। कुछ नहीं, इंदिरा आवास दिया है? नहीं दिया है। शौचालय का पैसा? कुछ नहीं दिया। घर गिरिया का पैसा? राशन कार्ड में नाम है? किछो विकास नहीं होता है। कुछ विकास नहीं होता है। अच्छा, आपने शिकायत नहीं की वार्ड मेंबर से या मुखिया साहब से? सबका शिकायत नहीं देता, नल जल का पानी आता है? कुछ नहीं। तो बताइए मुखिया जी, यहाँ पे इन लोगों को समस्या को कम से कम समझिए। अब बताइए बच्चों को पढ़ाई उढ़ाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्कूल बगल में अब बताइए ये कहाँ का संविधान है? बताइए भीमराव अम्बेडकर जी बोले हुए थे कि सभी लोग एक समान है, सभी लोगों का अधिकार है, खाना पीना रहना सोना टोटल चीज। जब उन लोगों का बाल बच्चा ये जो देख रहे हैं अभी पढ़ने का समय, अभी ये लोग इधर खेल रहे हैं, ये लोग खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं तो मास्टर लोग इनको मतलब डेंग डाके बेल लगा देते हैं। ये कहीं का अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ मतलब बोला जाना चाहिए। अच्छा चाची, यहाँ के वृद्धा पिता मिले यार? मतलब कि यहाँ कितना उम्र हो गया, कितना मिलेगा? सात साल के बाद कितना मिला था? अच्छा चाची, यहाँ के बेटा पोता के इंदिरा आवास मिला ला? ना मिला ला। शौचालय का पैसा? अच्छा वृद्धा पेंशन में नाम जोड़वा के लिए अहाँ ककरो कहलिए कि ना? कितना बार जोड़ा के ले जाते हैं कहाँ किछो में जो अथी ना हो? किछो में नाम ना भैया कहले छी, मगर जब आबे छी लिखे पढ़े तब लिखवा दो कि कहाँ हमरा बेटा सके ना अथी में लिख ला वोट ना दै छै। अरे चाची, अहाँ के की सुविधा मिलल है? अरे वोट दै छी ककरा को वोटो अहाँ के ना मिलैया? बताइए कम से कम इन लोगों का मतलब राशन तो कम से कम दीजिए। आपने राशन तो कम से कम इस पे क्यों रोक लगाए हैं? आपको यहाँ के डीलर साहब, यहाँ के मुखिया जी से अनुरोध है कि आप आइए इस पंचायत में, इस गांव में लोगों से बातचीत कीजिए, इनकी समस्या सुनिए। बताइए क्या इन लोगों का अधिकार नहीं है सरकारी लाभ लेने का? आप लोग इसे सिर्फ वोट के लिए यूज करते हैं, मशीन समझ रहे हैं क्या? ये बटन दबा दीजिए, 400-500+ वोट है इन लोगों का। अब बताइए तो आप लोगों को वोट दे के जिता देते इसीलिए कि आप सिर्फ अपना देखिए? तो आइए इस जगह देखिए। चलिए कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे बात करते। हमने बताया था कि हम मौजूद है गिद्धा फुलवरिया पंचायत में, एक नंबर वार्ड में। तो यहाँ की टंकी का स्थिति देख सकते हैं, कैसे सड़ गया, खंडहर बन गया, न इसका कोई बिजली कनेक्शन है, ना कोई सुविधा है। और एक इधर भी टंकी है, नीचे जी दिखाइएगा, ये टंकी की स्थिति भी देख सकते हैं। नहीं यहाँ पे ग्रामीण लोगों का कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है, नहीं नल जल, नहीं शौचालय, नहीं इंदिरा आवास, नहीं मतलब कुल मिला के कोई सुविधा यहाँ के ग्रामीण लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसे देख सकते हैं कि यानी कि 2-3 किलोमीटर में फैला ये जगह, ग्रामीण लोगों का घर, सबके ऊपर घर के ऐसा ही तिरपाल टट्टी मर रही है, किसी को कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ से मतलब कि जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि आइए एक बार निरीक्षण कीजिए इस पंचायत के मतलब किस वार्ड नंबर एक में, और लोगों को सुविधा दीजिए। तो चलिए एक और व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनको क्या क्या सुविधा मिला है। तो जी आपको मतलब कि सरकारी सुविधा क्या क्या मिला है? जो हमारे यहाँ सरकारी सुविधा जो कुछ भी नहीं मिल, पकड़ रही है कि कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलता है। सबसे पहले हमारे यहाँ कोई बहू बेटी को जो डिलीवरी परसेंट होता है, प्रेगनेंट होता है, तो यहाँ जान ले जाने में वो हॉस्पिटल में और रास्ते में ही दम तोड़ देती है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ का जो विकास होना चाहिए, स्कूल सबसे पहले होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, और जो जिस दिन से हमारे यहाँ मुखिया और ये प्रतिनिधि लोग रहते हैं कि इधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और कि हमारे गाँव के कोई भी लड़का इतना लगभग 450-460 के करीब में है लड़का यहाँ, लेकिन पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ स्कूल भी नहीं, कोई दफ्तर फफ्तर कुछ नहीं, और रास्ता में चलने के लिए वो भी रास्ता में जाते हैं तो लोगों वहाँ रास्ता में कोई भी ठोका से रास्ते में गिर जा रहा है, उसको खेत वाले ने उसको माझी समझ के फिर दे रहा है। इसके लिए हम प्रतिनिधि लोगों से कह रहे हैं कि ये जो भी हमारे समस्या, हाँ रोड है, समस्या है, स्कूल है, और बच्चों भी जो आप जैसा जैसा आपका बच्चा उस तरह से मेरा भी बच्चा छोटा भी मैंने समझ कर आप एक बार हमको बच्चों को भी ध्यान दीजिए। नहीं हो रहा है प्राइवेट, नहीं तो सरकारी भी स्कूल हो रहा है हमारे जो प्राथमिक विद्यालय और क्या कहते हैं आंगनबाड़ी। देखिए यहाँ पर हमारे जो पंचायत का मुखिया जी है कि 3 बार से जीत रहा है, उनका नाम क्या है सर? और उनका नाम है देवरंजन राम, जो हमारे गांव के आसपास में है। हाँ वही देवरंजन नाम है, और ये क्या कहते हैं वार्ड मेंबर भी यहाँ 2 लगभग 10 साल से
जीत रहा है, दो बार से जीत रहे हैं, दो बार जीत रहा है, फिर भी इनको कोई अपने टोला के प्रति प्रेम सने कुछ समाज से भी नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर ये लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं नहीं करते, हमारे जो समाज इतना लोग है लगभग 450 लोग है, ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, न खुद के बच्चों का ध्यान दे रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं जी। तो कहने का मतलब है क्या मुखिया जी आप भी गोरसे की संविधान अपना रहे हैं? कहाँ गया है वो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कहा था कि सभी लोग एक समान हैं? क्या दलित समझ के इसके ऊपर अन्याय कर रहे हैं या पिछड़ेपन के लिए छोड़ दे रहे हैं? प्लीज़ आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि इनकी समस्या को समझे सुने, इनकी सुविधा को मतलब मुहैया कराया जाए। आखिर कब तक इन लोगों पर अत्याचार इस तरह मतलब कि ये लोग भूखे नंगे कुपोषित होकर घूमते फिरते रहेंगे? ये सबको देखिए पढ़ने का उम्र में ये लोग कैसे घूम रहे हैं, नहीं कोई स्कूल ना कोचिंग ना कोई। तो आप देख सकते हैं यहाँ की घर की स्थिति, सब लोग मतलब कि गरीबे है, गरीबियों रेखा से नीचा इन लोगों को रहना पड़ता है। हमने इतना पंचायत में घुमा पर इन जैसे लोगों को नहीं देखा। तो आप लोग चलिए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ साथी लोग मौजूद है, तो चाची यहाँ के सरकारी सुविधा की मिलल है? कुछ ना इंदिरा आवास, न कॉल, न शौचालय, न बच्चा के पढ़ाई ठीक से, हमरा से कोई सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, कोई सामान नहीं गांव में है, सुबह तो आपने मतलब शिकायत ना कल वार्ड मेंबर से मुखिया से? हाँ कोई ना हमरा सक लेल मौजूद है, न बनावे के लेल, न घर इंदिरा आवास, न शौचालय, हमरा से कुछ न मिलिए न रहा है गांव में। कितना दिन से यहाँ परेशान छी ये सब करवावे के लिए? दो तीन साल से, जब से बच्चा सब सियान भेल, जब से हम सब कहे थी कौन स्कूल में बच्चा धरू, कौन स्कूल में पढ़ाऊ, ना खाने के लिए बस हम लोग के बच्चा के मिलता है, ना कोई चीज मिलता है, ना शौचालय मिला। अच्छा लोग में कोई पास आस में आंगनबाड़ी है कि ना? नहीं है, हमारे गाँव में आंगनबाड़ी है नहीं, दुबई घर में आंगनबाड़ी हम लोग जानते नहीं। अच्छा चंद्रशेखर आजाद जी, बिहार के मतलब की शिक्षा विभाग, आप थोड़ा इन लोगों पर ध्यान दीजिए, बच्चा सब है जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई आंगनबाड़ी की व्यवस्था है ना, कोई सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, कहाँ जाएंगे ये लोग बताइए? आप कहाँ रहते हैं आप लोग, अब बताइए इन लोगों को, न गर्जियन का काम ना कुछ है, तो कम से कम इस सभी लोगों पर तो ध्यान दीजिए साहब। आखिर कब तक इन लोगों पर ऐसे अन्याय होते रहेगा? इन लोगों का कहना है कि हमने दो तीन वर्षों से लगातार मुखिया समिति सरपंच सभी लोगों को कहते रहते हैं, मगर कुछ नहीं होता है। तो चलो साथी भी कुछ कभी कभी कहा जी है जब मतलब कि आपको वोट लेना होता है तो आप पर डे प्रतिदिन बार बार आते हैं, और जब वोट जैसे खत्म होता है आप जीतते तो नहीं आते, तो कम से कम मुखिया जी आइए एक बार इधर, मुहैया कीजिए मतलब की निरीक्षण कीजिए, लोगों की समस्या को समझिए और उनको सुविधा के लिए कुछ प्रावधान कीजिए।